हाँ जी ठीक है भाई। ओके घर तेरे हवाले 24 घंटे के लिए, अगर इतनी सी भी गड़बड़ मिली। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मम्मी मम्मी बैग वैग टाक के कहाँ चले? ओ जय माता दी। मेरे लिए तो टूर ही है एक तरह का। अच्छा टूर आपके लिए तो टूर है, पर मेरे लिए क्या है ये तो बताओ। मेरे लिए ड्राइवरी। तो गाइस हम अभी रेडी हो चुके हैं, अब निकलने वाले हैं। हम 7 बजे का था हमारा कि 7 बजे हम निकल लेंगे, लेकिन 7 से 8 बज गए, 8 से 9 बज गए, लेकिन 9 से हम 10 नहीं बजने देंगे। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से निकल लेते हैं। वो कहाँ है इंजीनियर साहब? सो रहे हैं, हम यहाँ नहा के तैयार हो चुके हैं। हाँ भाई भाई, अरे खड़ा हो ले। डेली डेली यो दिखा रहा है मुझे वीडियो में, आज मैं दिखा रहा हूँ। हाँ चल तैयार ही ना हो रहे। मैं तो सुबह से तैयार कैसे हो, मतलब वो पहनना है हमने। चलो चलो, चलो मैं तुझे अपनी ले ली सारी चीज, ले ली जो जो चाहिए। हमें कुछ चाहिए ही ना भाई। और मम्मी तकिया वकिया लेके कहाँ चले? अरे भाई ओ भाई है? मम्मी इसको पकड़ाओ, ये सामान गाड़ी में रख के आएगा। अफसर अफसर जल्दी भाई जल्दी पकड़ो ये। 8 बजे का टाइम था, 9:56 हो रहे हैं। तो भाई एक घंटा तो हमारा देखो बने, जो बड़े लोग होते हैं ना उनका एक घंटा लेट होना बनता है। चार्जर तो ले लो मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। ये लो चार्जिंग भी उठा लेता हूँ मैं। कैमरे में 20% बैटरी है, जो मैंने लगा रखा था अभी चार्ज 20% ही हुआ था। हम भूल गए यार कल लगाना ना, एक्साइट मतलब इतनी हो गई थी एक्साइटमेंट। हाँ ब्लॉगर हाँ चले मम चलो। तो गाइस हम गाड़ी में बैठते हैं, तुम्हें दिखाते हैं अभी गाड़ी में चल के नीचे। ओके किसी को जल्दी हो या ना हो, पर मेरी मम्मी ने गाड़ी पे पहुंच लिए। अब साथ साथ गैर गैर सामान रख देंगे। हाँ मम्मी ये देखियो, ये मम्मी इसके इसके काम है मम्मी। मैं ये मैं पहनता ही नहीं हूँ आपको पता है। बहुत बढ़िया लो भाई, तकिया रख दे भाई हमारे। बहुत तेज है यार, आप तो गर्मी है आते ना। जभी तो जभी तो बिना एसी रह लो, भगवान जी भी पूरा वो करेंगे। ओए हां इसमें ये नाम है तितते भी वो देंगे एक लाइफ लाइन। पक्की बात है? हां 5 मिनट की दो 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 ठीक है। मैं तो सोच रहा था मैं क्या यार कैसे करके कंट्रोल बैठू। हाँ पक्की बात है ना? हाँ 5-5 मिनट की दो। ओके फिर तो मैं वो खुश रह के चला सकता हूँ गाड़ी वाड़ी, क्योंकि यार मैं गाड़ी चलाऊंगा। पर गाड़ी चलानी क्यों है, कहीं छाया सी में लगा कर बैठ जाऊंगा बढ़िया आराम से, जहाँ कोई दिक्कत ना हो, है ना। पर यार हमारी गाड़ी गंदी हो रही है, दिखाऊँ? देखना अभी भी गंदी पड़ी है यार, वो साफ करने वाले तो मैंने मना कर रखी है। हम चले मम्मी आप बैठो गाड़ी में, मैं 1 मिनट में आया ऊपर में। तुम लोगों को बाल कैसे लग रहे हैं तुम्हारे भाई के? बढ़िया ना, क्योंकि आजकल मैं वाउ स्किन साइंस की अनियन हेयर केयर रेंज यूज कर रहा हूँ, जिसमें है ये अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, रेड अनियन ब्लैक सीड शैम्पू और कंडीशनर। ये ओरिजिनल अनियन ब्लैक सीड से बना है, इससे मेरे बालों की हेयर फॉल प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो गई। इसमें अनियन की गुडनेस है और पतले हल्के बालों के लिए तो बेस्ट है, और आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और आपके बालों को सॉफ्ट नरिश्ड एंड हेल्थी बनाता है। तो अब मैं यूज करने वाला हूँ वाउ स्किन साइंस का रेड अनियन ब्लैक सीड शैम्पू। ये मेरा फेवरेट शैम्पू है और ये बालों की क्वालिटी को भी बहुत अच्छा कर देता है। उसके बाद बारी आती है कंडीशनर की, ये मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं। और आपको तो पता ही है वाउ स्किन साइंस के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया जाता, और सबसे बड़ी बात वाउ स्किन साइंस के सभी प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। मम्मी ने छाए ले ली है और मम्मी मिर्च भी ले ली, तो मिर्च तो वहां मिल जाती बाजार में। ओके ओके मम चले बैठे, मम्मी पहले आप बैठिए, जब जब तो चालू होएगा। मम्मी चाय वाय निकाल लो, उस पता पीऊंगा, भूख लग रही है यार, सुबह सुबह उठा दिया आपने, कुछ तो पीऊँ। हाँ इसमें रख दो नीचे पीछे वाली में, इसमें वहाँ तो निकाल लेंगे। चलो ठीक है, चलो तो गाइस हम बैठते हैं। मोम को दिखा देता हूँ मैं, भाई टाइम देखिए भाई कितना हो रहा है। ये 9:02 और ये हमारी मम्मी गाड़ी में चढ़ते हुए। मम्मी ने पहले तो नहीं करिए, जय माता दी भाई। वाह मम्मी बैठ गए, मोम कर दूँ बंद, ये लो। तो गाइस मम्मी हमारी बैठ चुकी है, अब बैठने की बारी है हमारी। तो अब हम बैठने जा रहे हैं। है ना मम्मी? अब हम गाड़ी में से उतरेंगे अगले दिन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गणेशाय नमः। ये देखो क्या कर रहा है। हाँ भाई हाँ जी ठीक है भाई। ओके
घर तेरे हवाले है 24 घंटे के लिए, अगर इतनी सी भी गड़बड़ मिली तो तुझे गड़बड़ा देंगे हमें। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए घर में थोड़ी सी भी, ठीक है? ओके टाटा बाय बाय। और कुछ खा लियो मिट्टी विट्टी है? आज कोई टोकनिया ना है ना भाई? हाँ बड़ा आराम से। चलो तो गाइस चलते हैं, हम अपनी बीवी को मोड़ते हैं पहले। मम्मी पर जाएंगे कहाँ? एक तो यो लड्डा चला रहा हूँ, अभी भी चला रहा हूँ ना। थारी बस की थी तो क्यों ली थी तेरी? अरे अभी भी ले लूंगा, पर भाई मम्मी इतनी दूर जाना आना समझ रहे हो, बहुत बहुत तो दिक्कत। तो रहना ही है, तो चलना हाँ तो दूर ही है। रहना है, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे ना यार। चलना रेस्ट भी ले लेंगे यार, 24 घंटे में पास हुए कि। ओके गाइस बाय। हाँ हाँ मम्मी क्या क्या बात है? मत करे, मैं कह रही हूँ झिक झिक नहीं, झिक झिक करेंगे सुन। आज चलेंगे वृंदावन, 4-5 दिन बाद कान्हा जी का बर्थडे आ रहा है, कल का है तेरा बर्थडे, ठीक है? वहाँ दोनों मम्मी बेटा बढ़िया परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा कैसे करेंगे? हम उतर तो सके ना है, तो गाड़ी में ही कर लेंगे ना, गाड़ी में ही चाहिए होना, सब गाड़ी में ही कर काम बेटा, गाड़ी में। चलो देखते हैं यार अगर जैसा हुआ तो। अच्छा तुम थोड़ा रेस्ट लेना है ना, कहीं भी लगाई गाड़ी, थोड़ा रेस्ट कहीं भी कर लिया हमने यार। मम्मी थकावट हो जाएगी ना यार गाइस, समझो थोड़ी सी बात कि मैं अगर यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर जाऊंगा तो थकावट ना हो जाएगी शरीर में? थकावट हो जा रही है, घंटा आध घंटा। मम्मी मुझे उतारना चाह रही है कि जल्दी से उतरे। आज समझे हम ट्रिक। हाँ अच्छा तू उतर जाएगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? मैं गाड़ी तो कोई ना कोई चलाएगा, मोनून बैठ के चलानी पड़ेगी या आप? नू थोड़ी है कि गाड़ी चलती रहेगी अगर हम उतने उतर गए तो। मैं भी तो यही कह रही हूँ, गाड़ी चलती ही नहीं रहनी, गाड़ी के अंदर मुझे रहना है बस। हाँ गाड़ी के अंदर आपने रहना है, आप तो बढ़िया आराम से ऐसा सेठानी की तरह बैठ के। भाई मैं चला लूंगी गाड़ी और की ओर से, कहीं नहीं कर सकूंगा तो। चलो तो गाइस देखते हैं अभी हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। पहले मुझे एक मेमोरी कार्ड लेना है, मेमोरी कार्ड ही बोलते हैं ना उसको। हाँ। तो पूरा अपना सिस्टम बना के बैठे ना, अब चलते टाइम सारे याद आवे। तो मम्मी काम करना ही क्या है अब, गाड़ी में घूमना है, 24 घंटे घूमना ही है तो अब करेंगे ना सारे काम। तो घूमना ही है तो वृंदावन चल। मम्मी ये जिद अच्छी नहीं है वैसे। और देख सुन बात, चैलेंज मेरा है, सुन की ना, मन करना है चैलेंज। मम्मी ने कही चैलेंज मेरा, मेरी बात सुन और वहां लेके चल, ऐसा नहीं होता। चलना बेटा, जब टाइम भी पास हो जाएगा और भाई मेरी परिक्रमा हो जाएगी, चलना। चलो चलते हैं, चलते हैं। पहले मेमोरी कार्ड ले लेता हूँ मैं इसमें, और इसका एक मैंने वो मंगा रखा है। कुछ लेना है ना अपना आराम से ले ले, फिर चलते हैं, कोई ना पूरा दिन तो अपना ही है। हाँ हाँ वही तो, वही की वही। अभी मैं एक बार पहले मेमोरी कार्ड उठा लेता हूँ, एक मैंने जैसे कि हम मैं BGMI खेलूँ तो उसमें वो ना रहे, जैसे सूट वूट कपड़े वपड़े पहनूँ मैं तो इसी इसका एक वो आता है फास्ट टैग गाड़ी का, अभी भी मतलब एक स्टीकर लगाना पड़ेगा, वो भी मंगा लिया है मैंने, वो भी ले लेता हूँ। जैसे मम्मी अभी कह रही है कि वहाँ वृंदावन, मम्मी तो वहाँ जैसे कि कोई भी टूल पड़ेगा ना बीच में तो डबल पैसे देने पड़ेंगे, अगर वो हुआ तो सिंगल ही देने पड़ेंगे, सही रहेगा ना? दो तीन टूल आएंगे, आएंगे दो तीन मम्मी। यार क्या करोगे भाई, वृंदावन के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे वृंदावन के बाद? मेरे पैर मम्मी नहीं खड़ी है, साइड में करके रोटी दे दे पहले। गाय भी है, गाय को रोटी भी दे देते हैं हम, गाय हमारी माता है, दो तीन दिन से धरी है तुमने, एक माता हमारी साइड में है ये। ले भाई ले, जय हो जय हो जय हो जय गौ माता, हमारा साथ देना। चले मोम पहले मैं मेमोरी कार्ड, गाइस मैं पहले मेमोरी कार्ड और वो जो फास्ट टैग है वो उठा लेता हूँ। तो मुझे चाहिए था एक मेमोरी कार्ड क्योंकि ये जो है ना वो 16 GB है, वो भर जाओगा, तो इसलिए देखता हूँ अभी। हम आ चुके हैं मार्केट के पास, पर लेने कौन जाएगा? मम्मी, ओ मम्मी तो भाई हमारा घूंघट उंगट करके अब जब बैठी है बिल्कुल, भाई ससुराल में आई हूँ हम, ससुराल में। ओके तब हट जाओ गाइस, खड़ी है भाई, खुल तो गई फोन की दुकान तो खुलगी, मैं एक बार फोन कर देता हूँ इसके पास, ये मुझे मेमोरी कार्ड यहीं दे जाएगा गाड़ी में।
देख के बताएगा कि दुकान पे है या नहीं है मेमोरी कार्ड। अगर नहीं हुआ तो मम्मी फिर तो कहीं और जाना पड़ेगा और वहाँ उतर के लेना पड़ेगा, लेकिन मैं उतरूंगा नहीं बेशक कुछ हो जाओ। मुझे 10 रुपया देगा किसी तक कहनी पड़ेगा भाई वहाँ ला दो यार, है ना मम्मी? उतरेंगे नहीं मैं यार, मम्मी ने कसम तो नहीं खाई है ना। ना कसम की बात नहीं होती, कसम ही जरूरी थोड़ी, कसम तो झूठे लोग खावे। हाँ ये बात बिल्कुल मम्मी ने पॉइंट की कही है कि ईमानदारी से करेंगे, कसम वसम ना खाते हम, पर करेंगे ईमानदारी से, ईमानदारी से करेंगे, जो करेंगे ईमानदारी से। ओके तो मेमोरी कार्ड का ऐसा सीन है कि दुकान खुल चुकी है लेकिन जो अभी वहाँ अंकल थे उन्हें पता नहीं है कि मेमोरी कार्ड कहाँ है, कहाँ रखा। तो जो वहाँ काम करते हैं वो लड़के भी आए नहीं है, वो कह रहे भाई 2 से 4 मिनट लगेंगे, इतने हम अपना फास्ट टैग उठा लेते हैं। संदीप खड़ा है, फास्ट टैग लेगा, वहाँ आ गया तो संदीप तो ले लेते हैं, उसके बाद हम यूटर्न लेके आएंगे, उसके बाद हम यूटर्न लेके आएंगे और फिर यहाँ से जाके मेमोरी कार्ड लेंगे, फिर देखेंगे कि फाइनल हम निकल कहाँ रहे हैं। ओके जब पता चलेगी, अभी ना पता कुछ भी, अभी तो हम बस घूम रहे हैं। इंजन जूस वाला है, एक बढ़िया एक नंबर जूस बना हुआ है, जूस पी लेते हैं पहले। मम्मी भूख क्यों लग रही है यार सुबह सुबह? टाइम पे ना उठा मैं तो, टाइम पे उठा जब भी तो कह रही हूं। अच्छा जब भी भूख लग रही है मुझे तो कल से टाइम पे उठना बंद। तो हमारा मेमोरी कार्ड आ चुका है गाइस। सुना भाई बढ़िया, आ जा तू चले चले बता, जूस आज ले लो, आज चले तो बता, विंडो ऑन चलेंगे, कान्हा जी का है जब उस दिन चल देंगे ना भाई, मैं कह रहा हूँ उस दिन चल देंगे। आज घूमना तो है ही ना सारा दिन, आज घूमना रिश्तेदारी में घुमाला, रिश्तेदारियों में घर जाना पड़ेगा, बार बार का सिस्टम, बार बार का फायदा ना ना। तो मम्मी ने जिद बांध लिया कि जाऊंगी तो वृंदावन ही जाऊंगी, मुझे ना पता जाना तो जाना। आप किस टाइम तक जाओगे? आप आने का कोई पता नहीं है, आएंगे हम भाई रात तक, जरूरी काम है कुछ, 11-12 बजे तक आ जाओगे? रात 11-12 तो हम बजेंगे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाए, चल चलेगा चलो तो हम घूम आते फिर मिलते। इसमें है रिचार्ज लगा ले, चल मैं लगा लेता हूँ गाइस, ये आ गया हमारा फास्ट टैग तो मैं एक बार लगा लेता हूँ। मम्मी जूस पियोगे क्या बताओ? जूस चलो तो जूस पिला देते हैं आपको, पर मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि मैंने पी लिया ना तो गड़बड़ घोटाला। अरे ना पीऊंगा ना पीवे, मम्मी खाली पेट तो मेरे वैसे दिक्कत हो जाएगी तो आप मत पियो, मुझे तो पीने दो। क्या बोले हो, क्या बोले हो मम्मी? वाह तो मैं तो सोचता कि मैं तो जीरो ले आऊंगा, मैं तो एक भी नहीं सोच रही हूँ, मैं भी रही हूँ की भाई मैं भी ना ले, लेनी तो पड़ेगी एक आधी तो ले। भाई मैं तो पूरी कोशिश कर जाऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है हमारा मेमोरी कार्ड आना था और वो आ चुका है, लाइए थैंक यू। तो गाइज हमने अभी ना मेमोरी कार्ड ले लिया है आगे के लिए, सेफ्टी के लिए, ताकि हमारा हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें जो 16 GB है वो कभी भी भर सके, कभी भी का मतलब है हबीबी के चक्कर में कभी भी भर सकता है। इस गाड़ी में मतलब हबीबी में एक खास बात है, अपने ना फोन में मैप चलाना ना पड़े, यहाँ चल जावे, तो यो मैंने बढ़िया चीज लगी। अब मैंने ना नहीं तो एक हाथ में फोन रखना पड़े और ऐसे देख के चलना पड़ेगा था स्विफ्ट में। कितनी सुविधा है मम्मी आजकल ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण मैंने लगवाया ये सब, कितना काम करता हूँ भाई। मम्मी क्या पुचकार दे कि कही मम्मी आपने पुचकारने के बाद खुश रहे। ओके थैंक यू सो मच मॉम। हमारी मम्मी का टाइम पास आराम से फोन देख रही है, फोन कॉल आ जाती है तो हाँ जीजी मैं निकल ली, हाँ ठीक है हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा मतलब यार एक तो गाड़ी चलाना ठीक है, एक फिर मम्मी यार की बात सुनना, ये तो बहुत ही कठिन काम है रे बाबा। क्या करा जाए रे बाबा, तो आपकी आवाज तो सुनाई देगी मैंने। और मम्मी के फोन में क्या है, मम्मी ना आदत पड़ चुकी है, मम्मी स्पीकर ऑन करके बात करती है,
तो मुझे उनकी भी सुनाई दे और मम्मी की सुनाई दे। स्पीकर ऑन करके नो करूं फिर मैं कि भाई कान के ना लगाना पड़ेगा। हाँ कान के ना लगाओ मम्मी फोन अपना उसमें स्पीकर पे करके। हाँ जी जी हम एक चैलेंज कर रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। ओ माई गॉड ओके चलो अच्छी बात है। हम तो वो भी ना चला सके गाने इसमें ये चला रखा मैं पर चला सकू मम्मी है ना इसमें मैं वो कर देता हूँ इसका मिनिमाइज। मम्मी ने पूछ रही है कुछ खाना वाना है मैं खा लेंगे क्या लाए आप। अच्छा लाओ लाओ ये सामान तो चाहिए मुझे मेरे शरीर को चाहिए देखो कमजोर हो गया हूँ। लाए हो सच में ही अच्छा मैंने सोची मजाक कर रहे हैं। हर जगह बेइज्जती में लग रही है मम्मी आज सुबह मैं देखो तोड़ के ना नुगरी अखरोट भी अगर तोड़ देगा तो दांत दे। तो मैं कह रहा था कि मम्मी ने तो मैं दो घंटे में वहां पहुंचा दूंगा। अभी टाइम कितना हो रहा है मम्मी 12 भी ना अभी तो 10:30 भी ना हुए 10:30 मतलब कि 11:12 बजे तक मैं वहां पहुंचा दूंगा मम्मी ने। उसके बाद मम्मी डेढ़ घंटा होगा। ओह 9 बजे बैठे थे हम अभी 10:22 हो रहे हैं इसका टाइम खराब हो रहा है इसमें दिख रहे हैं 12:00 ये टाइम हो रहा है इसमें 12:52। तो मुझे लगा कि हमने कितना टाइम होगा 3 घंटे। मुझे तो खुशी हुई थी मम्मी जज्बात बदल दिए पर एकदम मेरे फोन में जब मैं टाइम देगा बताओ मेरा तो बढ़िया टाइम पास हो गया। आपका तो बढ़िया टाइम पास हो ही रहा है। अभी मम्मी बेरा मैं से क्या कह रही पांडू पोल चले और भी है मम्मी को दिमाग में एक दो जगह और हो मतलब कि ना अभी और बता दी। हाँ पहले कह रही थी आगरा पहले नु कह रही आगरा चले मैं मम्मी आगरा में तो हम उतर ना पाएंगे गाड़ी में तो क्या घूमोगे मतलब मैंने बात टाल दी फिर कह रही तो पांडू पोल। हमने बेफालतू में लगवाया फास्टैग और टूल टैक्स है इस पर तो फास्टैग ही ना है। वो कह रहे कि 40 रुपए कैश दो हमारे यहाँ वे नहीं चलते फास्टैग वास्टैग। हम ये लूट क्यों रहे हैं हमें हमारे पास खुले ना थे तो अब हमने खुले मिलेंगे चलो ये भी फायदा होगा ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइस तुम्हें टाइम दिख नहीं रहा होगा दिख रहा होगा तो टाइम हो चुका है 11:08। तो मम्मी हमें 2 घंटे हो चुके हैं। मम्मी बिजी है भाई अपने फोन में बिजी है रे। अरे ओके 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 मॉम मिल लेना मॉम आपकी फ्रेंड से हम मिलवाएंगे जरूर मिलवाएंगे लेकिन ये बताओ कि 2 घंटे हो चुके हैं आपको कैसा फील हो रहा है कैसा लग रहा है आपको। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है तो खुश हूँ आज मैं। मम्मी के पास 30 कॉल आ चुकी है 30 कॉल मतलब ये लगा लो कितनी देर बात करी होगी 5-5 मिनट बात करी होगी तो मम्मी के 2 घंटे पूरे हो गए। 2-2 मिनट बात करेंगी 2 मिनट अगर एक कॉल पे 2 मिनट बात करेंगी तो मम्मी के 2 घंटे पूरे हो गए। और मेरी छाती देखो तुम एक भी किसी बंदे ने कॉल ना करी कि भाई कहाँ है कहाँ जा रहा है कहाँ ना बंदे ने तू दे रहा है कि यो बंदा बिजी है तो क्यों करेंगे भाई भी। ये बात भी सही है तो हमने परिक्रमा शुरू करनी है वो करनी है अटल्ला चुन्नी थे मतलब हमने अभी अटल्ला चुंगी से हमें परिक्रमा शुरू करनी है। यहाँ से सीधा जाना है लेफ्ट लेना है मतलब अभी हमने रास्ता पूछा है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें गाड़ी से करनी है क्योंकि पैदल वाली तो आ गया है मतलब हमें पुलिस चौकी के वहाँ है और यो जो है वो यहाँ से अटल्ला चुंगी से तो हम अटल्ला चुंगी पहुँच जाते हैं उसके बाद तुम्हें परिक्रमा करवाते हैं हमें पहला ही लेफ्ट बताते हैं कि सर ना आगे तो होता है। तो गाइस मैं तुम्हें अभी अपना नया वॉशरूम दिखाता हूँ एक सेकेंड मेरा नया वॉशरूम मस्त है ना गाइस खड़ा ना हो पा रहा पर मैं ढंग से अब ठीक है अब मैं बिल्कुल सेट खड़ा हूँ बाड़ में सेट कर लेता हूँ यार यहाँ घर बन रहे हैं यार शर्म सी हो रहा है मुझे तो। क्या मजा तो अब हम चले आए ये गाड़ी है भाई एक नंबर गाड़ी है रे अभी भी चल होगा फ्री यस चल ओ भाई गाइस पता है मम्मी बाथरूम में एक नंबर क्या 2 नंबर एक नंबर तो गाइस अगर
एक नंबर ना करते है ना तो थोड़ी देर बाद प्रेशर बन जाता दो नंबर के लिए। तो मैंने अपना पता है कि कैसे क्या करना है, मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि मेरी जो पीछे वाली वो है ना मम्मी, बंधना हुआ यार, वो गेट बंधना हुआ, दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा करके आनी पड़ेगी बंद। अरे निकलना रहा ये वो, यो स्कॉर्पियो में खास बात है, जो जिनके पास स्कॉर्पियो होगी ना उन्हें पता होगी कि ऐसा ही होता है। पहले एक खिड़की खोलो ताकि इसमें थोड़ी, अब होगी भाई, अब लगा मुझे कि बंद हुई है, जब मुझे ही ना लग रहा था, बड़ आज रही थी, होगा ना सेट। भाई चुंगी वाले उस पर जाना है, चुंगी चौराहे नहीं, कौन सा चुंगी, अटल चुंगी, फ्लाईओवर चढ़ के पार होते लेफ्ट हो जाना बस। गोवर्धन कहाँ है? गोवर्धन 21 किलोमीटर है यहाँ से, यहाँ से सीधा है आगे जाके लेफ्ट हो जाना। अच्छा चलो धन्यवाद भाई जी। मम्मी अब यहाँ से क्या करा जाए बताओ, टेम्पू कैसे ले ले, गाड़ी में तो उतरेंगे कोई। ओ सॉरी कह रही है मम्मी, उस तरह कह रही कि टेम्पू से जाएंगे तो कितने रुपए लेओगे तुम हैं, दिमाग से ही निकल गई, मैं तो अभी सोच रही बस स्पेशल पर कम्मा के लिए आई। आ देखा मम्मी उतार देनी थी यार, मैं गलती कर देती सच में, मुझे उतार देनी थी मम्मी यार, मैं तो भूल गई कि मैं आज वो चैलेंज भी कर रही हूं। गाइस तुम्हें दिख ना रही होगी क्योंकि वो बहुत वाइड कैमरा है, लेकिन बहुत बड़ी मूर्ति है भाई, माँ वैष्णो धाम है, हाँ वैष्णो देवी धाम, माँ वैष्णो का ही है यो, इसके पीछे तो वो थी पार्किंग है। अच्छा वही तो पार्किंग, मम्मी सारी जगह घूम कर गई हो रहा है। हाँ ये देखो भाई जय माता दी, क्या हाल चाल है भाई? अच्छा भाई हम गए थे लेकिन गाड़ी तो पर कम ना हो सका, यही से आप? अच्छा अच्छा 24 चल रहा है भाई, उतर नहीं सकते, परिक्रमा हो नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो गाइज हमारी परिक्रमा तो हो नहीं पाई, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर ने मम्मी को पहचान लिया और पीछे से बहुत तेज हॉर्न मार रहे थे भाई, टी टी डी 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 डी, भाई वाह मोम। हाँ आपके सब्सक्राइबर हैं, क्यों नहीं है भाई, लेकिन हम नीचे नहीं उतर पाए और ना ही हम परिक्रमा कर पाए। जो मैंने स्टोरी डाली है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ आएंगे यहाँ से मिलेंगे, लेकिन गाइस क्या करें, हम नीचे उतर नहीं सकते और गाड़ी जा नहीं सकती, तो कुछ हो नहीं सकता। चलो भाई क्या इन्होंने करा भी ना कि मैसेज कर दे चल भाई कुछ नहीं गाड़ी से नहीं लगेगी। हाँ यार तुमने बतानी थी यार कि गाड़ी से परिक्रमा नहीं होगी, हमारी मम्मी तो हम तो बतावे ना, मम्मी ने कभी गाड़ी तो ना करी ना बेटा। ओ भाई टम्पू वो मोटरसाइकिल थे, मोटरसाइकिल लगा रखी है अपने, वो गियर रखी है उसमें बैठा कर जाना बढ़िया। पर मम्मी ये यहाँ हो जाएगी ना, यहाँ तो हो ही जाएगी यार परिक्रमा वैसे गाड़ी, आज हमें वापिस ही जाना है, भगवान जी ने कह रहे बेटे आज आप गलत आए हो, दोपहर में मैंने मना किया था नहीं आना, शाम को आना, तो कोई बात ना शाम को कभी शाम को देख लेंगे, आप सुबह जल्दी देख लेंगे जैसा भी होगा, पर अभी हम फिलहाल यहाँ करेंगे परिक्रमा करेंगे यहाँ की। तो एक हमने अभी भी के अंदर डार्लिंग लगा रखी है, वो गुम होगी रास्ते से भटक गई है, देखो कहाँ जा रही है बीच में ना, नेट चल रहा है मम्मी, प्रॉपर नेट चल रहा है गाइस, देखो यो भटक गई है यार, रास्ता ना बता। हम आ चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, ओके मॉम पहुंच गए हो, जय भाई जयकारा मार दिया है, ये देख लो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, अब हम यहाँ से जय गोवर्धन परिक्रमा 1 किलोमीटर दिखा रहा हूँ, मतलब 1 किलोमीटर यहाँ तक मार्ग चालू होगा, अब जितने किलोमीटर की मारनी है मार लो ऐसे। तो गाइज हमारा ये सीन, यहाँ हम आए हैं, यहाँ इन्होंने देखो ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, ये बोल रहे हैं कि नहीं जाना तो नहीं जाना, यहाँ आगे चैन वैन लगी हुई है कुछ तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारे यहाँ वैसे लोग हैं जो मतलब कह रहे हैं कि हम आपको लोकल यहाँ से ले जाते हैं लोकल गली में से, और आपकी जो परिक्रमा है वो और मेन मंदिर में
दूध चढ़वा देंगे, लेकिन हम उतर तो सकते ही नहीं है, तो दूध का कैसे कर पाएंगे हम। तो मैंने सोचा यार अगली बार आएंगे तो ही जाएंगे, जब भी कर लेंगे, जो भी लोकल गली से जाना है या कहीं से जाना है तभी की तभी देखेंगे। अभी यहाँ जाम लग रहा है, मैं एक बार अपनी हबीबी को मोड़ लूँ, यहाँ स्क्रैच लग गई ना तो मुझे बड़ा दुख होगा यार। तो गाइस गाड़ी में तुम्हारे भाई ने बहुत ही मेहनत है, रुका हूं मैं, ठीक है। तो अभी हमारी जो वीडियो बन रही थी वो बहुत ही लंबी बन रही थी, इसलिए हमने पार्ट कर दिया, मतलब एक पार्ट दो पार्ट, तो दूसरा पार्ट अभी आना बाकी है। तुम लोग भी वाओ स्किन साइंस की अनियन हेयर केयर रेंज यूज करके देखो और खुद से डिफरेंस फील करो, बी वाओ नेचुरली।